केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में एक आवश्यक बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने किया। बैठक में समिति को विस्तार करने पर विचार विमर्श किया गया, साथ ही भावी कार्यक्रम में निर्धारित कैसे किया जाए इस पर भी विचार विमर्श किया गया, जिसके तहत रांची महानगर सरना समिति के गठन करने का निर्णय हुआ और सर्व समिति से कुलदीप सांगा को रांची महानगर सरना समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया। इसके साथ उपाध्यक्ष पद के लिए सुशील उराव को चुना गया, महासचिव पद के लिए रवि गाड़ी, सचिव पद के लिए और कोषाध्यक्ष पद के लिए रवि मुंडा को चुना गया। मौके पर सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की और सरना समिति के पदाधिकारियों के द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि समाज को संगठित करने के लिए और सरना कोर्ट की लड़ाई को तेज करने के लिए समिति में नौजवानों को जोड़ा जा रहा है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि 8 दिसंबर को केंद्र सरकार से सरना कोर्ट की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसके साथ ही 30 दिसंबर 2021 को रांची प्रेस क्लब में विभिन्न जिलों के सरना समिति के अध्यक्ष के साथ बैठक की जाएगी। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की, संरक्षक ललित कक्षप, भुवनेश्वर लोहारा, उपाध्यक्ष प्रशांत टोपो आदि मौजूद रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।